सारे हिंदुस्तान का किसान दुखी है। उनको बार बार कहा गया कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगी और उसको नहीं हटाएंगे, लेकिन सरकार लेकर के किसानों को कुछ नहीं देना चाहती। मैं अपने इलाके की बात करता हूँ, यहाँ लोग छोटे छोटे मकान बना रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें बना रहे हैं, बिजली मिल सकती है और लोगों को चालान मत करिए। कहीं हेलमेट नहीं है, कई कागज घर में पड़े हुए हैं, कई को नौकरी पर जिसमें आम आदमी, किसान, बेरोजगार, नौजवान, हमारे छोटे दुकानदार, सभी तबके जो हैं वो दुखी हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस के समय में डीजल के ऊपर सिर्फ 3 रुपये टैक्स लिया जाता था, आज डीजल के ऊपर 30 रुपये टैक्स लिया जाता है, प्रति लीटर 30 रुपये के ऊपर 31 रुपये टैक्स लिया जाता है, जबकि हमारे समय केवल 10 रुपये था। कीमतें आसमान को छू रहे हैं, इसके साथ साथ एसेंशियल कमोडिटी कीमतें वो भी आसमान को छू रही हैं। साथियों, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, रियासत जम्मू कश्मीर जो भारत का ताज था, जो भारत का ताज है, सरताज स्टेट थी, उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया। आज इंडियन नेशनल कांग्रेस पंच से मैं और सरदार त्रिलोक सिंह बाजवा, ब्लॉक सुचेतगढ़ कांग्रेस की ओर से हम डिमांड करते हैं कि हमारी रियासत का स्टेट जो है उसको स्टेटहुड मिलना चाहिए और स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। ये बड़ी बात है। आपने देखा होगा बेरोजगारी, हमारा नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान बिल्कुल आहत है, बेरोजगार नहीं है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जब डीडीसी के इलेक्शन चल रही थी तो हजारों की संख्या में हमारे नौजवान भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर बैठे जाकर के उन्होंने धरना दिया और वहां डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आए। ये वो बच्चे थे जो BSF, CRP और ITBP में अपीयर हुए थे। उनके साथ झूठ बोला गया कि आप धरना उठा लो, हम आपको DDC इलेक्शन के बाद में आपको एडजस्ट करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार है केवल जुमलों की सरकार है, केवल झूठे झूठे वायदों की सरकार है। जैसे